Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, और कितनी देर? मुंह खोलो खोलो। ऐसे बनाते खाना? हाँ, कितने दिन से बना रहे हो ये? कितने दिन से खाना बनाना सीख रहे हो? कब सीखोगी? सखी, तुम यहां? वो भी इतनी रात को अकेले आई हो क्या? ए, तुम ठीक तो हो? ऋषभ, उन्हें अंदर तो आने दो। सखी आओ, सारी बातें इधर ही खड़े कर लोगे क्या? बात करो उससे। दी, जीजू कहाँ है? सब ठीक तो है? सखी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और पवन कहाँ है? दी, सखी, भैया, दी कुछ बोल क्यों नहीं रही? लगता है पवन और सखी के बीच में दोबारा लड़ाई हुई है। चलो बात करते हैं। सखी, सखी, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? अब माँ और बाबूजी के बीच में भी तो लड़ाइयां होती थी ना, वो तो नहीं गए घर छोड़ के कभी। लेकिन मैं भाग कर आई हूँ, यही कहना चाहते हो ना? अरे सखी। नहीं सखी, मेरा वो मतलब नहीं था। डोंट वरी, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। दी, आप एक काम करो ना, जीजू को डिवोर्स दे दो, बात खत्म। स्वप्न, ये क्या बोल रहा है तू? सही तो बोल रहा हूँ भैया, रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा डिवोर्स दे दो ना यार। इतनी सी बात में डिवोर्स थोड़ी ना देगी वो। भाभी, इतनी सी बात होती इतना तो दी घर छोड़ के यहाँ नहीं आती। स्वप्निल, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, जानता भी है डिवोर्स क्या होता है? चल अपने कमरे में जा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अरे सखी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, तो हम सखी को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। Have some rest, okay?
सर, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। सखी, हम तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। सर प्लीज, आप मेरी बात समझने की। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? पापा, मैंने तुम्हारी शादी पवन से तय कर दी है और ये मेरा आखिरी फैसला है। बट पापा, मैंने कह दिया ना। आमिर, पापा हमारी शादी को नहीं मानेंगे, और तुम दोनों भी जानते हो ना पापा कैसे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम आमिर है इसलिए? तुम्हारे पापा यही चाहते हैं ना कि तुम्हारी शादी तुम्हारे रिलीजन में हो, यही वजह है ना? तुम्हें पता तो है। हाँ, मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें कब समझ आएगा कि शादी दो रिलीजन के बीच में नहीं होती है, दो लोगों के बीच में होती है। तो तुम क्या चाहते हो, भाग कर कर ले शादी? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अरे, भाग की शादी नहीं करनी है तो कोर्ट मैरिज कर लो ना फिर। कोर्ट मैरिज? हाँ, दुनिया में तुम लोग अकेले ही थोड़ी हो जो कोर्ट मैरिज कर रहे हो। तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, या तो तुम भाग के शादी कर लो, हो सके तो कोर्ट मैरिज कर लो। साक्षी, हमें ना शादी करनी है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी। आमिर, मॉम डैड की मर्जी से शादी करनी तो कर लो ना, और अगर मॉम डैड नहीं मान रहे तो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन तो है कोर्ट मैरिज। थैंक यू प्रसाद, आई होप कि सब अच्छा ही हो। सब अच्छा ही होगा, एक बार डैड से बात करके देखो, शायद वो मान जाए। और हाँ, कभी विटनेस की जरूरत पड़े तो हमें भूलना मत। क्यों साक्षी? सोहेल। यस सर। तूने पेपर्स ध्यान से चेक कर लिए थे ना? यस सर, बस मैम के सिग्नेचर्स बचे। पेन। मैम साइन प्लीज, जहां जहां मार्क लगे वहां पे साइन कर दीजिए। सखी, पेपर्स पे साइन करने से पहले दोबारा सोच लो। इसमें सोचने की क्या जरूरत है भाभी, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। माया, स्वप्निल सही कह रहा है, और सखी भी इस रिश्ते से आजाद होना चाहती है। सखी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और पापा ने जो गलती की थी वो हम रिपीट नहीं करेंगे। भैया, यू आर ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दी, आप साइन करो। ठीक है मैम, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल जमा करने के बाद हम आपको अपडेट करते हैं। थैंक यू।